हम बात कर रहे हैं मैक्सेंस फार्मा की। आज के दिन की बात करें तो मैक्सेंस फार्मा में फ़िलहाल हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 261.75 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था 260 का ब्रेकआउट और इसके ब्रेकआउट के बाद 280 को टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। 280 तक का जब स्टॉक ने दिखाया टारगेट हमारे हिट होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा चार्ट पैटर्न पर नज़र डालो दोस्तों और इसको समझने की कोशिश करो। देख सकते हैं स्टॉक लगातार अपने अप ट्रेंड में है और इस वक्त अपने हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट आ रही है तो बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली, लगातार अप ट्रेंड में गिरावट के बाद बाउंस बैक करके अपना रिसेंट हाई ब्रेकआउट कर रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हम देखिए अप ट्रेंड में है। 280 के लेवल से भी गिरावट आई है तो 260 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके आसपास ही सपोर्ट लिया है। तो इसके लिए मेजर सपोर्ट है 260 का लेवल, ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 250 का लेवल। और मेजर और तगड़े सपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं 2-3 दफ़ा रिजेक्शन अगेन सपोर्ट के साथ बड़ी बाइंग 240 का लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए, लेकिन यहाँ से स्टॉक हमको क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, 280 के ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि अब तक यहाँ हमको बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिले, लगातार अप ट्रेंड में। गिरावट ज़रूर आई है लेकिन देख सकते हैं जो बड़े पिलर्स नीचे की ओर इंटरव्यू हो गए वो इस रेंज में अब भी बने हुए एग्जिट के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, मैक्सेंस फार्मा और अप ट्रेंड दिखा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 270, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 280 और 280 के ब्रेकआउट के बाद 300 तक का जंप मैक्सेंस फार्मा दिखा सकता है। यहाँ तक के टारगेट फिर हमको स्टॉक में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।